हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 15 जुलाई 2019 और यह हमारी 196वीं क्लास है। 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों, अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। कौन सी राज्य सरकार पद्मश्री विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक भत्ता देगी? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार पद्मश्री विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक भत्ता देगी, ऐसा ऐलान हाल ही में ओडिशा में किया गया है। दोस्तों, ओडिशा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। दोस्तों, आपको बता दें, राज्य की कई पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की आर्थिक स्थिति काफी खराब है, जिसके कारण ऐसा किया गया है। दोस्तों, ओडिशा से 84 लोगों ने पद्मश्री जीता है, उनमें से 45 लोगों का निधन हो चुका है। शेष पद्मश्री विजेताओं को, जो जिनकी हालत आर्थिक हालत खराब है, उनके लिए 10,000 रुपए मासिक भत्ता दिए जाएंगे। दोस्तों, अब बात आई है ओडिशा की, तो आपको मैप में ओडिशा के बारे में बता दें। मैप में ये जगह ओडिशा को दर्शाती है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। गवर्नर है गणेशी लाल, ओडिशा की मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो इतना आपको ओडिशा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर वैश्विक सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है लंदन। लंदन में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम द्वारा कनाडा और संयुक्त रूप से मीडिया की स्वतंत्रता के लिए वैश्विक सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व भर में मीडिया की स्वतंत्रता को मजबूत करना था। दोस्तों, इस सम्मेलन में प्रसार भारती के चेयरमैन सूर्य प्रकाश, सांसद स्वपन दास गुप्ता और प्रेस काउंसिल के सदस्य कंचन गुप्ता हिस्सा लेंगे। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने विश्व में मीडिया की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए 18 मिलियन पाउंड का सहयोग देने की घोषणा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायाबुसा 2 स्पेस क्राफ्ट किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है जापान। हायाबुसा 2 स्पेस क्राफ्ट जापान देश से संबंधित है। दोस्तों, जापान के हायाबुसा 2 स्पेस क्राफ्ट ने रग्यू क्षुद्र ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से लगभग 300 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है और इस पर हाल ही में जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक हायाबुसा ने लैंडिंग की है। दोस्तों, अब यह हायाबुसा है स्पेसक्राफ्ट है क्या, इसके बारे में बता दें। हायाबुसा 2 जापानी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजा गया मिशन है। इससे पहले हायाबुसा नाम से एक अन्य मिशन भेजा गया था जो 2010 में क्षुद्र ग्रह के नमूने लेकर वापस आया था। हायाबुसा 27 जून 2018 को रयोगी क्षुद्र ग्रह पर पहुंचा था। यह 1.5 वर्ष तक रयोगी क्षुद्र ग्रह पर अध्ययन किया, उसके बाद नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर लौटेगा। दोस्तों, इसके लौटने की संभवतः तारीख दिसंबर 2020 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अब बात आई है जापान की, तो आपको मैप में जापान के बारे में बता दें। मैप में ये जगह जापान को दर्शाती है। दोस्तों, जापान की जो राजधानी है वह है टोक्यो और जापान के जो एम्परर है यानी वहां के जो राजा है वह है नारुहितो, जो हाल ही में बनाए गए हैं। दोस्तों, वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। आपको बता दें, वहां की जो करेंसी है, जापान की करेंसी है येन। तो इतना आपको जापान के बारे में याद रखना है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स सेलिब्रिटी 100 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार फोर्ब्स की सेलिब्रिटी लिस्ट में टॉप 100 में शामिल होने वाले भारत के एकमात्र अभिनेता है। दोस्तों अक्षय कुमार फोर्ब्स लिस्ट में जो शामिल हुई हैं, तो उनकी संपत्ति जो बताई गई है वह 444 करोड़ रुपए बताई गई है। इस सूची में अक्षय कुमार 33वें नंबर पर स्थित है। दोस्तों आपको बता दें इस सूची में पहले स्थान पर सिंगर टेलर स्क्विफ्ट हैं जो पहले नंबर पर हैं और इनकी कुल संपत्ति जो 1295 करोड़ रुपए है। तो इतना आपको इस लिस्ट के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में हाल ही में IAS अवार्ड कितने लोगों को दिए जाएंगे? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 10 लोगों को। मध्य प्रदेश में IAS अवार्ड 10 लोगों को दिए जाएंगे। दोस्तों अभी इस अवार्ड जो दिए जाएंगे उनके नाम जाहिर नहीं किए गए हैं, अभी पता नहीं है किस किस को ये अवार्ड दिए जाएंगे, लेकिन ये जरूर पता है कि 10 लोगों को IAS अवार्ड दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले के सलकनपुर देवी धाम ट्रस्ट का गठन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सीहोर। सीहोर जिले के सलकनपुर देवी धाम में ट्रस्ट का गठन किया गया है। दोस्तों सलकनपुर देवी धाम ट्रस्ट हाल ही में जो सरकार के द्वारा भंग किया गया था, लेकिन अभी आत्मधाम विभाग की उप सचिव नीता राठौर ने इसका गठन के आदेश दिए हैं और इसका गठन किया गया है। दोस्तों अब बात आई है सीहोर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट सीहोर के बारे में बता दें। दोस्तों सीहोर को सिद्धपुर के नाम से भी जाना जाता था। भोपाल संभाग का एक जिला है सीहोर। सीहोर में सिद्ध गणेश मंदिर स्थित तो जो काफी पुराना है, बाजीराव प्रथम के पुनर्निर्माण कराया गया था सीहोर में। दोस्तों कुंवर चैनसह की समाधि सीहोर जिले में स्थित है। दोस्तों बुधनी जहां पर रेलवे स्वीपर कारखाना है यह सीहोर जिले में ही स्थित है। प्रदेश का पहला खेल आवासीय महाविद्यालय भी सीहोर में ही बनाया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सहकारी शक्कर कारखाना बरलाई में लगाया गया है। तो इतना आपको सीहोर के बारे में याद रखना है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सारू मारू की गुफाएं भी सीहोर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर बना लक्ष्मण झूला हाल ही में बंद किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है गंगा। गंगा नदी पर बना लक्ष्मण झूला हाल ही में बंद किया गया है। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश के इंडिया लेवल के कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। लक्ष्मण झूला जो देहरादून के ऋषिकेश में स्थित है, यह झूला हाल ही में बंद किया गया है। आपको बता दें यह झूला 96 साल पुराना है और इसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा कराया गया था, जिसे हाल ही में बंद किया गया है। तो आपको याद रखना है लक्ष्मण झूला गंगा नदी पर स्थित है जिसे बंद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अपेक्स बैंक का नया प्रशासक बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अशोक शह को। हाल ही में अशोक शह को अपेक्स बैंक का नया प्रशासक बनाया गया है। दोस्तों अशोक शह के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने ग्वालियर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था दोस्तों, और इन्हें हाल ही में अपेक्स बैंक का नया प्रशासक बनाया गया है मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाइकल कैंसर से सबसे ज्यादा मौतें किस राज्य में होती हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। दोस्तों अगर वहीं बात करें भारत की, तो भारत में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मृत्यु का जो प्रतिशत है वह 25% है। दोस्तों आपको बता दें सर्वाइकल कैंसर के बारे में, यह दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर है जो महिलाओं में होता है। दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। HPV टाइप 16 और टाइप 18 के वायरस मुख्यतः सवाई कैंसर के मुख्य कारण होते हैं और इससे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें
होती हैं, तो इसके बारे में आपको इतना जरूर याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्कूल अवार्ड किस जिले के स्कूल को दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सागर। सागर जिले के एक स्कूल को राष्ट्रीय स्कूल अवार्ड दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, नोबल पब्लिक स्कूल जो सागर जिले के देवरी में स्थित है, इसे राष्ट्रीय स्कूल अवार्ड के सोशल एक्टिव स्कूल कैटेगरी में देश में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। आपको इस अवार्ड के बारे में दोस्तों याद रखना है, यह अवार्ड जो दिया गया है वह सोशल एक्टिव स्कूल कैटेगरी में दिया गया है। दोस्तों अब बात आई है सागर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट सागर के बारे में बता दें। दोस्तों सागर को उथन सेन द्वारा 1660 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश की प्रथम विश्वविद्यालय, जिसे हम डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, यह सागर में ही बनाई गई है। मध्य प्रदेश का दूसरा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सागर में ही स्थित है, पहला ट्रेनिंग कॉलेज इंदौर में है। दोस्तों फॉरेंसिक साइंस लैब की स्थापना भी सागर में ही की गई है। आपको बता दें, आफचन्नी की गुफाएं सागर में ही स्थित हैं। गढ़पहरा को प्राचीन सागर के नाम से जाना जाता है, जो दांगी साम्राज्य की राजधानी था। पद्माकर समारोह है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में ही स्थित है। नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण की स्थापना भी सागर में ही की गई है। दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, एरण जो प्राचीन पुरातात्विक स्थल है सागर में, यहाँ पर सती का प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है सागर के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले के जंगलों में सफेद मूसली गिलोय एलोवेरा की औषधीय पौधे लगाए जाएंगे? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है श्योपुर। श्योपुर जिले में सफेद मूसली गिलोय और एलोवेरा के औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। दोस्तों श्योपुर में वन मंडल 4 साल में 120 हेक्टेयर भूमि में दुर्लभ आयुर्वेद औषधियों को लगाकर उनका संरक्षण करेगा, और इसी के जरिए सफेद मूसली गिलोय और एलोवेरा, इन्हीं सबका संरक्षण करने के लिए यह औषधीय पौधे लगाए गए हैं श्योपुर में। दोस्तों इस वर्षा में 30 हेक्टेयर का औषधि पेड़ लगाए जाएंगे जंगल में। दोस्तों अब बात आई है श्योपुर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट श्योपुर के बारे में बता दें। दोस्तों श्योपुर चंबल संभाग का एक जिला है। मुरैना जिले से वर्ष 1998 यानी 1998 में विभाजित करके श्योपुर जिला बनाया गया था। दोस्तों श्योपुर कला में हस्तशिल्प का प्रसिद्ध कारखाना है। काराहल वन क्षेत्र जहां पर डकैत समस्या है वह श्योपुर में ही स्थित है। पालपुर कूनो अभ्यारण भी श्योपुर जिले में ही स्थित है। काकता जलाशय भी श्योपुर जिले में ही बनाया गया है। तो इतना आपको श्योपुर के बारे में याद रखना है। किस विकासशील देश में 10 साल के अंतराल में सबसे तेज गरीबी दूर की है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा देश भारत। हमारे देश भारत ने 10 साल के अंतराल में सबसे तेज गरीबी दूर की है। दोस्तों यूएन की पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है, जिसमें भारत ने 2006 से 2016 के बीच 10 विकासशील देशों के समूह में सबसे तेज गरीबी कम की है। दोस्तों इन 10 साल में देश के 27.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। दोस्तों यूएनडीपी की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने करीब 55.1 यानी 64 करोड़ से घटकर 27.9 करोड़ यानी 36.9 करोड़ रह गए हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट में भारत के साथ बांग्लादेश, कंबोडिया, हैती, पेरू, कांगो, इथोपिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और वियतनाम भी शामिल थे। तो इतना आपको इस रिपोर्ट के बारे में याद रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस जिले में अभिप्रेरण कार्यक्रम किया जाएगा?
तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन था सागर में, सागर जिले में अभिप्रेरण कार्यक्रम किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय सुब्रतो फुटबॉल कप कहाँ खेला जा रहा है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।